बस्मिल्ल अस्सलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही आसान मोती चूर के लड्डू जो कि खाने में भी बहुत मज़े के हैं और देखने में तो मज़े के हैं ही बहुत ही खूबसूरत इनको हम बनाएँगे बग़ैर बेसन के चने की दाल से तो आप हैरान हो रहे होंगे चने की दाल से जी हाँ चने की दाल से बनाएंगे कोई देख कर इनको कह ही नहीं पाएगा कि आपने इसको चने की दाल से बनाया है बिल्कुल लगता है बेसन से बने हुए ये बिल्कुल बारीक मोतियों की तरह बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान होते हैं इनको बनाना तो बेसन वाले लड्डू बनाना थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा ट्रिकी काम होता है तो ये बहुत आसान तरीका है उसको बनाने का तो फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और घंटी के बटन को साथ जरूर दबा दिया करें ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके तो मज़ेदार से लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप चने की दाल ली जिसको मैंने चार पाँच घंटे पहले भिगो कर रख दिया अगर आपके पास टाइम कम है तो आप दो घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं लेकिन पानी को थोड़ा सा नीम गर्म करके भिगो दें ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ठीक है अच्छे से फूल जाए अब मैंने इसका पानी सारा निकाल दिया है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं अब हमने इसको पीसना है बग़ैर पानी के इसको अब चॉपर है तो चॉपर में पीस लें अगर आपके पास चॉपर नहीं है मसाला पीसने वाली मशीन है यह कोई भी मशीन है उसमें आपने इस तरह इसको पल्स में चलाते हुए पीसना है दुबाते हुए थोड़ा थोड़ा अपने बटन चलाना है बंद करना है इस तरह और इसको अपने दरदरा सा मोटा मोटा पीसना है बिल्कुल बारीक पाउडर या बिल्कुल पेस्ट आपने इसको नहीं बनाना अगर आपको लगता है कि ये मशीन आपकी आपके मसाले वाली मशीन नहीं चल रही थोड़ा सा आप एक आधा एक आध टेबल स्पून पानी का भी शामिल कर सकते हैं देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है दरदरा सा है बस हमने इसको ऐसा ही पीसना है ठीक है और इसी तरीके से मैंने सारी दाल को पीस लिया है मोटी मोटी सी तो बगैर पानी डाले मैंने इसको पीसा है आप देख सकते हैं इसकी कैसी जो है कंसिस्टेंसी कैसी इसकी जो है टेक्सचर कैसा है दानेदार अब क्या करेंगे इस तरह इसके पेड़े नुमा या फिर टिक्कियाँ सी बना लेंगे दबाते हुए अच्छे तरीके से ताकि ये साइडें इसके अच्छे से जुड़ जाएँ और ये खुले ना ऑयल में डालकर ठीक है आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं या आप चाहें तो थोड़ा सा मटेरियल हाथ में लेकर इस तरह दबाकर पकौड़े की तरह बनाकर भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन इस तरह ज़रा मोटे हो जाते हैं तो अंदर तक ठीक से पकते नहीं हैं ठीक है तो मैं दूसरे तरीके से इसको बनाऊँगी तो देखिए थोड़ा सा मटेरियल ले लेते हैं हाथ पर इस तरह दुबाते हुए अच्छे तरीके से और इस तरह हम इसकी जो है टिक्की बना लेंगे और साइडें आपने अच्छे से सील कर देनी है जो बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें ये होता है कि आपको बेसन कैसा रखना है पतला या गाढ़ा या झारा चाहिए होता है तो झारा ज़्यादा घर में तो मौजूद नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है वो लड्डू बनाने की इन मैं आगे उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी तो ये बहुत आसान तरीका है इस तरीके तरीक से लड्डू बनाएँ और आप इसको इन्जॉय करें तो देखिए इस तरीके से मैं सारे ये टिक्कियाँ ऐसी बना कर रख लूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल गरम कर लिया ऑयल आपका मीडियम गरम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गरम। और ना बिल्कुल कम गर्म ठीक है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे देखिए आप देख सकते हैं ऐसा ऑयल हो कि जब आप डालें तो बबल्स बनना शुरू हो जाएँ तो मैं चार से पाँच इसमें डाल दूँगी और बाकी के हम बाद में डालेंगे जब बबल्स कुछ कम हो जाएंगे उसके बाद हमने उसको टर्न करना है उससे पहले हमने इसको बिल्कुल नहीं छे छेड़ना छे, 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 वरना ना जो है टूटने का डर होगा इस तरीके से इसको हम पलट लेंगे और इसको हमने बस तकरीबन लाइट गोल्डन करना है बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना तो क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और फिर सख्त हो जाते हैं लड्डू तो बस इस तरह का कलर होगा तो हम इसको निकाल लेंगे तो इनको मैं निकालूंगी जो जो भी टिक्कियाँ कह लें आप इसको लड्डू कह लें या पेड़े कह लें तो इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं तो देखिए बाकी भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी तो, तो तमाम पेड़े या लड्डू मैंने बनाकर रख लिए हैं इनको फ्राई कर लिए इनको हम ठंडा कर लेते हैं तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसको दोबारा से चॉप करना है जिस तरीके से हमने दाल को चॉप किया था इस तरह तोड़ते हुए हम इसको चॉप कर लेंगे और इसको पल्स में चलाते हुए मशीन को हमने चॉप करना है बिल्कुल मुसलसल पाउडर नहीं चलाना पाउडर नहीं बनाना इस तरीके से दुबाते हुए हम इसको दरदरा सा मोटा मोटा दानेदार पीस लेंगे ठीक है तो बस इस तरीके से मैं सारी दाल को पीस लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ तो देखिए अभी आप देख सकते हैं अभी मोटी है इसको थोड़ा सा मज़ीद पीस लेंगे आपको दिखाने का मकसद ही यही है कि ताकि आपको पता हो हमने मशीन को किस तरीके से चलाना है मुसलसल नहीं चलाना तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये मशीन का जो है दिखा रही हूँ वीडियो तो देखिए इस तरीके के दानेदार हमें चाहिए ठीक है तो बस इसी तरीके से बाकी के तमाम पेड़ों को और या लड्डुओं को हम पीस लेंगे तो देखिए दाग की तमाम टिक्कियों को हमने इस तरीके से पीस लिया है इस दानेदार फॉर्म में ले आए आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त दाने बने हैं बस हमें ऐसे ही चाहिए अब हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है इसमें डाला है एक कप चीनी ठीक है जिस कप से हमने दाल को नापा उसी कप से चीनी को नापेंगे और उसी कप से हमने पानी भी मैयर करना है एक कप चीनी है और आधा कप इसमें डालेंगे पानी और इसको हिलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे फ्लेम को नीचे मैंने ऑन कर लिया मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसको हम जो है चीनी को मेल्ट कर लेंगे तो चीनी जैसे ही मेल्ट होती है तो साथ ही इसमें दो तीन कतरे लेमन जूस के डालेंगे लेमन जूस डालना बहुत ज़रूरी होता है इससे क्या होता है कि अगर आपकी मिठाई या कोई भी लड्डू या कुछ भी आप बना रहे हो पड़ा भी रहता है तो उसमें दोबारा से चीनी नहीं जमती ठीक है थीके? और लेमन जूस डालने के बाद यहाँ पर मैं इलायची पाउडर इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं या साबत इलायची आप डाल सकते हैं ठीक है और दो चार कतरे में उसमें डालूंगी ऑरेंज फूड कलर के आपके पास पाउडर में है तो आप पाउडर में डालें कोई मसला नहीं है तो आप चाहें तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो कलर और इस चाशनी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको थोड़ा सा हमने चिपचिप इसे बनाना है आप देख सकते हैं जब हमारी एक तार अभी बनी नहीं होगी देखें एक तार टूट रही है अभी एक तार पूरी नहीं बनी तो तार बनने से पहले वाली जो कंडीशन होती है बस हमने वहाँ तक रखना है ये बहुत जल्दी दो तीन मिनट में बन जाती है क्योंकि हमने पानी इसमें कम शामिल किया है तो जैसे इस कंडीशन में आएगी इसमें हम अपना पाउडर डाल लेंगे दाल का और ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चूल्हे को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा सिर्फ एक मिनट के लिए चूल्हे को चलाएँगे ठीक है तो देख सकते हैं आप इसमें बिल्कुल भी चाशनी नहीं, नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बस थोड़ा थोड़ा सा ही गीला महसूस हो रहा है और इसको एक मिनट के लिए हम फ्लेम को ऑन करेंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए दाल ठीक है तो एक मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है बस इसको एक मिनट ही पकाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं और उसके बाद चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसको हम जो है फैला कर अच्छे तरीके से तकरीबन तो दस मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया आप देख सकते हैं अच्छे से ड्राई हो चुका है हमारा मिक्सचर नहीं अच्छा अगर आपको लगता है कि यहाँ पर दाल आपकी थोड़ी सख्त है तो आप इसमें वन से टू टेबलस्पून पानी के डालकर थोड़ा सा और पका सकते हैं आपने चेक कर लेना कि दाल आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए खाने में सॉफ्ट लगे तो देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सर कुछ ठंडा हो चुका है तो इसमें वन टेबल हम जो है चार मगज़ जो होते हैं या मेलन सीड्स वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट चाहे कोई आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं थोड़े से अपनी पसंद के मुताबिक जितने हमने लड्डू बनाने उतना मिक्सर हम हाथ में लेंगे उसको अच्छे से दुबाते हुए इसको हम जो है इसका लड्डू बना लेंगे और बहुत आसानी से बन जाते हैं और तो आप देख सकते हैं कितने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है घी या ऑयल बहुत कम ही एब्ज़ॉर्ब करते हैं क्योंकि हमने इसमें जो है बेसन की जो बूंदी फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल भी इसके अंदर घी या ऑयल कुछ भी नहीं अच्छा यहाँ पर मैंने जब ठंडा करने के लिए रखा तो मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून देसी घी का उसमें शामिल किया था ठीक है तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लड्डू बने बिल्कुल मोती चूर के लड्डू लग रहे हैं लगता ही नहीं है कि हमने इसको दाल से बनाकर तैयार किया है या बेसन से तो बस इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे तो लीजिए मज़ेदार से लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं मोती चूर के लड्डू जिसको हमने दाल से बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं बहुत ही ईजी रेसिपी है तो कुछ कटे हुए पिस्ते से अब इसको गार्निश कर दूँगी और ताकि ये खूबसूरत भी लगे तो देखिए झटपट जो है ना ये हमने इसको बना लिया जब कभी आपका दिल करे कुछ मीठा खाने को तो आप फटाफट से इसको बना सकते हैं बग़ैर बेसन घोले तो बहुत आसान है इसको बनाना तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी मैं आपको उसको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं तो देखिए आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसको अपने दाल से बनाया है बेसन से नहीं तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आए होंगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा